गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जेई मेंस 2024 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है, जेई मेंस 5 अप्रैल 2024 शिफ्ट फर्स्ट। तो इस क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं कि इसका सलूशन क्या होगा और इसके सलूशन के साथ साथ हम लोग इसकी प्रॉपर एनालिसिस भी देखेंगे, जिससे हम लोग ये समझ पाएंगे कि किस कॉन्सेप्ट के थ्रू इसका आंसर आया हुआ है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका दिया गया है व्हेन ए कैपिलरी ट्यूब, जब एक कैपिलरी ट्यूब को इज डिप्ड इनटू ए लिक्विड, किसी वाटर या किसी लिक्विड में डिप कराया जाए, मतलब डुबोया जाता है, तो देन द लिक्विड नाइदर राइज नॉर फॉल्स इन द कैपिलरी फुल स्टॉप, द कॉन्टैक्ट एंगल मे बी जीरो। तो पहले यह कह रहा है कि यदि किसी कैपिलरी ट्यूब को हम किसी लिक्विड के अंदर डिप कराते हैं, तो उस समय ना तो लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब के अंदर ना तो लिक्विड राइज करेगा ना तो फॉल करेगा, और उस समय कॉन्टैक्ट एंगल जीरो हो सकता है। पहला स्टेटमेंट यह कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है डियर, स्टेटमेंट सेकेंड, द कॉन्टैक्ट एंगल, ये जो संपर्क कोण है किसके किसके बीच बनता है, बिटवीन ए सॉलिड एंड ए लिक्विड इज प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड एज वेल एज। तो कॉन्टैक्ट एंगल लिक्विड और सॉलिड के बीच बनता है और ये डिपेंड करता है सॉलिड और लिक्विड के मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे। तो अब ऑप्शन में कह रहा है डियर कि स्टेटमेंट वन आपका फॉल्स है, स्टेटमेंट टू आपका ट्रू है, ऑप्शन वन आपको करेक्ट कर मतलब देना है। ऑप्शन बी में आपको कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू। ऑप्शन सी में देना है स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स, एंड ऑप्शन डी में देना है स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। तो आइए सबसे पहले डियर स्टूडेंट ये समझते हैं कि इसका सलूशन कैसे होगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग, डीप में देखेंगे, उसके बाद इसका आंसर आप खुद लगा पाएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कैपिलरी के बारे में, कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी क्या होता है, किसी लिक्विड में, जब किसी लिक्विड में एक स्मॉल डायमीटर की ट्यूब को और उसका डायमीटर लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है, मीन्स अप टू 1 सेंटीमीटर डायमीटर की एक खोखली ट्यूब को यदि हम किसी ट्यूब लिक्विड के अंदर इंसर्ट कराते हैं, तो उस समय सपोज करिए कि ये हमारे पास एक लिक्विड हो और एक हमारे पास एक खोखली ट्यूब हो, अगर हम इसके अंदर इंसर्ट कराएं तो ये जो लिक्विड के लेयर है, ये जो लिक्विड की हाइट है, ये लिक्विड की हाइट इस ट्यूब के अंदर या तो राइज कर जाएगी या तो ट्यूब के अंदर डिप्रेस कर जाएगी इसके इनिशियल लेवल से, या तो इस ट्यूब के अंदर ऊपर उठ जाएगा या तो नीचे चला जाएगा, या तो ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा। लिक्विड की इसी प्रॉपर्टीज को हम कैपिलरिटी कहते हैं, मींस केशिका तो कहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड राइज आर फॉल इन द लिक्विड ट्यूब, ये हमारा होता है द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड राइज और इसको फॉल को हम लोग डिप्रेस भी कहते हैं डियर, डिप्रेस भी कहते हैं, मतलब या तो डिप्रेस होगा या फॉल होगा। राइज आर फॉल व्हेन व्हेन ए स्मॉल डायमीटर ट्यूब, ए स्मॉल डायमीटर ट्यूब, अब स्मॉल डायमीटर ट्यूब की बात कर रहे हैं तो ट्यूब डायमीटर कितना होगा, ट्यूब डायमीटर ये होगा अप टू 1 सेंटीमीटर, या इसी को कह सकते हैं अप टू 10 mm। तो ये कैपिलरी ट्यूब के डायमीटर का इफेक्ट है, अगर 10 mm से ऊपर डायमीटर के कैपिलरी ट्यूब को किसी भी लिक्विड में हम डिप कराएंगे तो वहां पर कैपिलरी इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, केशिका तो इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, हमने कहा
द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, लिक्विड का ऐसा गुण जिसमें लिक्विड राइज करे या फिर फॉल करे, व्हेन व्हेन जब एक स्मॉल डायमीटर की ट्यूब को हम क्या करें, डिप्ड इनटू द लिक्विड, डिप्ड इनटू द लिक्विड, जब हम लिक्विड में डिप कराते हैं तो इस तरीके से हमें दिखाई देता है। लिक्विड में ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कैपिलरिटी कहते हैं, है ना। द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस लिक्विड इज कॉल्ड कैपिलरिटीज। ये हमारा होता है डियर कैपिलरिटीज। अब इसमें हम बात करते हैं, कैपिलरिटीज तीन तरीके से दिखाई देती है। अगर हम बात करेंगे कैपिलरिटी, तो ये हमें तीन तरीके से दिखाई देती है। कैपिलरिटीज हमें तीन तरीके से दिखाई देती है। कौन कौन दिखाई देती है, अभी जस्ट आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहले एक बेहतरीन सा डायग्राम बना देते हैं, उसके बाद फिर आपको समझा देते हैं। चलिए, एक डायग्राम यहां पे, एक डायग्राम यहां पे और एक डायग्राम यहां पे दिखा दे रहे हैं। चलिए, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो ट्यूब हमारे पास है डियर, ये ट्यूब कुछ इस तरीके की रहेगी। ये ट्यूब हमारी इस तरीके की रहेगी। अब इस ट्यूब में हमने क्या किया, एक लेवल तक हमने लिक्विड को भर दिया। सपोज करिए इस लेवल तक हमने इसमें लिक्विड को, कोई भी लिक्विड हमने इसमें फिल कर रखा है, कोई भी लिक्विड हमने इसके अंदर क्या किया है, फिल कर रखा है। अब हम क्या करेंगे डियर, एक दोनों तरफ से खोखली पाइप, बोथ एंड आर ओपन, जिसका दोनों एंड क्या हो, खुला हो, उसको हम इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। दोनों एंड आपका खोखला हो और उसको हम इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। इसको हम इस तरीके से इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, ऐसा इंसर्ट करेंगे एक कैपिलरी ट्यूब को इसके अंदर। इस तरीके से डियर हम लोग इंसर्ट करेंगे। अब ऐसा इंसर्ट करने पे होगा क्या, होगा क्या, केस फर्स्ट में या तो लिक्विड राइज करेगा, और जब भी लिक्विड राइज करेगा तो ये इस सॉलिड सरफेस को पकड़ कर राइज करेगा, और राइज करने के लिए वो इस तरीके से राइज कर जाएगा, इस तरीके से राइज करेगा। और कितनी हाइट तक राइज करेगा, लगभग जितना ये दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका हाइट इसकी क्या करेगा, राइज करेगा। यहां पे पूरा लिक्विड रहेगा, ये लिक्विड रहेगा। अगर इसका कंडीशन भी हम बता रहे हैं कि डिप्रेस कब करेगा, फॉल, डिप्रेस मीन्स फॉल्स कब कर, फॉल कब करेगा, राइज कब करेगा, या नो राइज नो डिप्रेशन कब करेगा, ये सभी कंडीशन हम आपको अभी हम डिस्कस करने चल रहे हैं। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, कि फ्री सरफेस का जो लिक्विड है इससे नीचे डिप्रेस कर सकता है, और जब डिप्रेस करेगा तो ये इस शेप का बनाता है, डिप्रेस करता है तो ये इस शेप का बनाता है। और कितना डिप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये डिप्रेशन आपको यहां से लेके यहां तक ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये हाइट ऑफ राइज हो गया या डेप्थ ऑफ डिप्रेशन हो गया। और थर्ड केस में ना तो राइज करेगा ना तो डिप्रेशन करेगा, मीन्स नो राइज नो डिप्रेशन, ये खोखली ट्यूब है। ये इस चीज को आपको, बोथ एंड इसका क्या रहेगा, ओपन रहेगा, बोथ एंड एटमॉस्फियर में ओपन रहेगा, तभी कैपिलरी इफेक्ट आपको दिखाई देगा। अब थर्ड केस क्या हो गया, ना तो लिक्विड इसके अंदर राइज करेगा ना तो डिप्रेस करेगा। तो पहला केस जो होता है इसी को कहते हैं कैपिलरी राइज, इसको कहते हैं डियर कैपिलरी राइज। और सेकंड केस जो है, ये फ्री सरफेस से नीचे जब लिक्विड चला जाता है तो इसको कहते हैं कैपिलरी डिप्रेशन, या इसी को फॉल्स भी कहते हैं, है ना, फॉल, कैपिलरी फॉल कर रहा है। थर्ड आपका क्या हो रहा है, नो राइज नो डिप्रेशन, ये जो थर्ड ऑप्शन है डियर, ये है नो राइज नो डिप्रेशन,
ना तो राइज कर रहा है ना तो डिप्रेस हो रहा है। अब इसके जो ये फिनोमिना है ये क्यों हो रहा है, इसका फिनोमिना होने का मेन तीन रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला रीजन ये होता है डियर कि जो लिक्विड और सॉलिड के बीच में लगने वाला एडहेशन फोर्स है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग एडहेशन फोर्स या ससंजन बल कहते हैं। तो ससंजन आसंजन बल, आसंजन बल मींस एडहेसिव फोर्स। क्या होता है, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एडहेशन फोर्स। तो यहां पर अगर लिक्विड और सॉलिड के बीच में एडहेशन फोर्स ज्यादा होगा, मतलब लिक्विड सॉलिड पे चिपके, ज्यादा चिपके, तो उस समय लिक्विड क्या करेगा, ऊपर की ओर राइज करेगा या फॉल करेगा, ये डिपेंड करेगा कितना कोहेशन फोर्स है। तो पहला इफेक्ट किस पे होता है, कोहेशन फोर्स के कारण होता, सॉरी एडहेशन फोर्स के कारण होता है। तो कैपिलरी राइज जो होगा डियर, ये किसके कारण होगा, एडहेशन फोर्स, एडहेशन फोर्स के कारण होगा। सेकेंड क्या होगा डियर, लिक्विड के सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कोहेशन फोर्स। तो ससंजन बल जिसे हम लोग कहते हैं, कोहेशन फोर्स समान अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं। और जब समान मॉलिक्यूल्स के बीच में आकर्षण बल लगता है तो मॉलिक्यूल्स को बांध कर रखने की कोशिश करता है, बांध कर रखने की कोशिश करता है, तो कोहेशन फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल होता है, कोहेशन फोर्स, कोहेशन फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स है डियर, जब कोई लिक्विड फ्री सरफेस बनाता है एयर के कांटेक्ट में, मतलब हवा के कांटेक्ट में कोई लिक्विड मुक्त सतह बनाता है, तो लिक्विड की फ्री सरफेस अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, सिकुड़ने की कोशिश करती है। लिक्विड की इस प्रॉपर्टीज को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। और ये सरफेस टेंशन फोर्स के कारण लगता है। जो सरफेस टेंशन फोर्स है ये सरफेस पे नॉर्मल फोर्स पर यूनिट लेंथ पर होता है, जिसका मैग्नीट्यूड अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये सरफेस टेंशन फोर्स भी इसको ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो थर्ड हमारा क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन फोर्स, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा डियर, सरफेस टेंशन फोर्स। अब समझते हैं, पहले इसको भी लिख लेते हैं, इसमें भी वही तीनों चीज रिस्पॉन्सिबल होंगे, एडहेशन फोर्स, चाहे कैपिलरी राइज करे चाहे डिप्रेस करे, ये रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट क्या होगा, कोहेशन फोर्स, और नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट आपका हो जाएगा सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स, अब समझते हैं डियर ये क्या होता है। देखिए यहां पे देखिए, एडहेशन फोर्स अगर ज्यादा होगा, एडहेशन फोर्स अगर ज्यादा होगा और कोहेशन फोर्स वीक होगा, तो ये लिक्विड क्या भाई, जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में चिपकने की क्षमता ज्यादा होगी, तो कोई भी लिक्विड सॉलिड की सरफेस पे चिपकना शुरू करेगा। जैसे किसी भी पानी को आप दीवार पे मान लो इस लेवल तक पानी को डालो, तो पानी का मॉलिक्यूल्स ऊपर तक राइज कर जाता है। कॉन्टेक्ट आपने यहीं तक किया लेकिन भीगी सतह ऊपर तक चली जाती है, मतलब लिक्विड ऊपर की ओर राइज कर जाता है, उस समय एडहेशन फोर्स ज्यादा है। अगर दीवार एकदम चिकनी हो जाए, ग्लास आप लगा दो, तो ग्लास में क्या होगा कि आप पानी जहां तक रखोगे वहीं तक रहेगा। जैसे आप देखो इस बॉटल में हमने लिक्विड यहां तक रखा है, तो ये यहीं तक है, ये ऊपर की सरफेस को नहीं भिगो रहा है। लेकिन अगर इसी प्लास्टिक की बॉटल की जगह अगर हम सीमेंट के वॉल का एक ग्लास बनाते या बॉटल बनाते, तो उसमें पानी यहां रखते तो पानी की सरफेस ऊपर तक राइज कर जाती, तो उसमें एडहेशन फोर्स ज्यादा लगता है। इसमें एडहेशन फोर्स बहुत नेग्लिजिबल है या लगभग नगण्य है, है ना। तो ये होता है, तो जब भी कैपिलरी राइज करेगा तो एडहेशन फोर्स आपका क्या होगा डियर, एडहेशन फोर्स आपका होगा, ये होगा हाई, हाई होगा। और कोहेशन फोर्स क्या होगा, जब लिक्विड को ऊपर ले जा रहा है तो नीचे वाला मॉलिक्यूल जो इसको पकड़ के नीचे की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, भाई जैसे दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है एक मॉलिक्यूल नीचे जा रहा है, दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस फोर्स लगा हुआ है, नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर वाले को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, इनके बीच में जो बॉन्ड लगता है, जो फोर्स लगता है, इसी को कहते हैं
कोहेसन फोर्स, और जब ये फोर्स वीक हो जाएगा तब ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स इजिली ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब कैपिलरी राइज के समय कोहेसन फोर्स आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लो, और सरफेस टेंशन फोर्स ज्यादा होगा तभी आपका क्या हो जाएगा, कैपिलरी ऊपर की ओर राइज करेगा। अब इसमें बात करते हैं, ऊपर से डिप्रेस हो रहा है, यहां पे देखिए डिप्रेस हो रहा है, तो डिप्रेस होने के केस में क्या हो जाएगा डियर, डिप्रेस होने के केस में आपका हो जाएगा कोहेसन फोर्स ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे नीचे की ओर, ये कोहेसन फोर्स, एडहेसन फोर्स आपका हो जाएगा लो, कोहेसन फोर्स आपका हो जाएगा हाई, और सरफेस टेंशन फोर्स आपका हो जाएगा लो, इस तरीके से हो जाएगा। और नो राइज नो डिप्रेशन में हम देख रहे हैं कि जितना कोहेसन फोर्स होगा लगभग उतना ही एडहेसन फोर्स होगा, मतलब दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं, एडहेसन फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स मिलकर कोहेसन फोर्स को न्यूट्रल कर रहे हैं, जिस वजह से ना तो लिक्विड राइज कर रहा है और ना ही लिक्विड डिप्रेस कर रहा है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज आपको दिखाई दे रही है। अब आगे बात करते हैं डियर कि इसका रीजन जो हुआ, ये तो हमने आपको बता दिया कि तीन तरीके से कैपिलरी इफेक्ट दिखाई देता है, कैपिलरी राइज, कैपिलरी डिप्रेशन एंड नो राइज नो डिप्रेशन। इसमें एक बात आई कॉन्टैक्ट एंगल की, तो आइए कॉन्टैक्ट एंगल समझ लेते हैं क्या होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डियर कॉन्टैक्ट एंगल। यदि हम इसको थीटा से रिप्रेजेंट करें तो कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं फिर इसको समझा देते हैं। देखिए ये होता है द एंगल, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछते रहिएगा, बीच बीच में जो भी टॉपिक्स में आपको डाउट आए, जहां जिस पॉइंट में आपको कंफ्यूजन हो तो एक बार कमेंट करके आप जरूर पूछ लीजिएगा, आपके डाउट को तुरंत हम यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डियर, द एंगल मेड, हम ये उम्मीद करते हैं कि अभी तक हमने जो बताया टाइप्स ऑफ कैपिलरी वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे हम बात करने चल रहे हैं कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल क्या है, द एंगल मेड बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस विच स्टार्ट फ्रॉम सॉलिड सरफेस, जहां से सॉलिड सरफेस का कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो रहा, विच कॉन्टैक्ट स्टार्ट फ्रॉम सॉलिड सरफेस, जिसका कॉन्टैक्ट सॉलिड सरफेस पे स्टार्ट होगा। सपोज करिए डियर, एक हमने ले लिया, इस तरीके से हमने ले लिया सॉलिड सरफेस। अब ये सॉलिड सरफेस हमने लिया, इसमें हमने अलग अलग ड्रॉप को गिराए। अगर हमने इसमें वाटर की ड्रॉप को गिराया तो वाटर की ड्रॉप क्या होगी डियर, इस तरीके से फैल जाएगी। अगर इसमें हमने मर्क्यूरी की ड्रॉप को गिराया, मर्क्यूरी मतलब पारा, जिसकी बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, लगभग 13,600 केजी पर मीटर क्यूब होती है, लेकिन वाटर की डेंसिटी, जो नॉर्मल वाटर की डेंसिटी होती है, वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। तो अब इस तरीके से जब हम मर्क्यूरी को इसके ऊपर गिराएंगे तो मर्क्यूरी का शेप क्या हो जाएगा डियर, मर्क्यूरी इस तरीके से किसी भी सॉलिड पे फैलता है, इस तरीके से होता है। इसके बाद अगर हम किरोसिन को गिराएं तो किरोसिन आपका इस तरीके से बनाता है। तो ये अलग अलग लिक्विड को हम एक ग्लास की सरफेस पे गिरा रहे हैं। यहां पर हम देख रहे हैं, देखिए सपोज करिए यहां पर डियर, ये देखिए ये आपका सॉलिड सरफेस है और ये लिक्विड यहां से कॉन्टेक्ट स्टार्ट कर रहा है, तो यहां से टेंजेंट आप ड्रॉ कर दीजिए, एक टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिया। तो सॉलिड सरफेस एंड टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस विच स्टार्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम सॉलिड, उसके बीच बने कोण को, ये जो एंगल हमारे पास बनेगा डियर, ये जो एंगल बनेगा
इसी एंगल को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट एंगल या संपर्क कोण। अब इसकी बात करते हैं, यहां पे देखिए, यहां देखिए, ये हो गया आपका सॉलिड सरफेस और कॉन्टैक्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, टेंजेंट ये हो गया, टेंजेंट ये हो गया। अब इसका मतलब आप इधर वाला एंगल नहीं मेजर करेंगे डियर, आपको कौन सा एंगल मेजर करना, ये एंगल, क्योंकि ये सॉलिड सरफेस और कॉन्टैक्ट टेंजेंट के बीच में ये वाला एंगल हमें मेजर करना है, हमें ये वाला एंगल मेजर करना है, ये थीटा हो गया। मतलब यहां पे हम देख रहे हैं डियर कि जितना ज्यादा गाढ़ा लिक्विड होगा उसका उतना ज्यादा कॉन्टैक्ट एंगल होगा और जितना पतला लिक्विड होगा उसका उतना कम कॉन्टैक्ट एंगल होगा। और हमने देखा वाटर और किसके लिए, ये अगर हमने एक एग्जांपल सपोज करिए, हमने लिया था ग्लास, मान लीजिए हमने लिया है ग्लास सरफेस, कांच जिसे हम शीशा कहते हैं, तो ग्लास सरफेस जब हमारी है डियर, तो अगर हम ऐसा लें, ये हमने ले लिया वाटर, सपोज करिए ये हमने ले लिया वाटर, तो यहां पर कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री होता है, कॉन्टैक्ट एंगल कितना होता है 0 डिग्री होता है। और मर्क्यूरी के लिए डियर, मर्क्यूरी के लिए कॉन्टैक्ट एंगल 128, कहीं कहीं आपको 130 दिखाई देगा, ये इस तरीके से डिग्री में होता है ना, 136 भी दिखाई देता है। और अगर हम बात करें किरोसिन के लिए डियर, किरोसिन के लिए जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है वो 26 डिग्री होता है, कितना होता है 26 डिग्री होता है। आप कमेंट करते रहिएगा, जो भी डाउट हो वो तुरंत आपको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल आप समझ पा रहे होंगे डियर, जब किसी भी लिक्विड की ड्रॉप को हम, ड्रॉप बूंद को किसी सॉलिड सरफेस पे गिराएंगे, तो वो बूंद अगर पूरी तरीके से फैल गई तो कॉन्टैक्ट एंगल 0 हो गया, और जो भी इस तरीके का कर्व बना रही है तो जहां से लिक्विड स्टार्ट हो रहा है वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सॉलिड सरफेस के बीच में, तो उसके बीच बने कोण को हम कॉन्टैक्ट एंगल कहते हैं। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल आप समझ गए, यहाँ पे आपने कैपिलरी समझ गए, कैपिलरी किस वजह से होता है ये आप समझ गए। तो अब देखिए आपको बात करते हैं, हम क्वेश्चंस में आते हैं डियर। देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन जेई मेंस 2024 5 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का है, 5 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट जेई मेंस का क्वेश्चन है, इसी साल का आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा है व्हेन ए कैपिलरी ट्यूब, अब आप समझ गए कि कैपिलरी ट्यूब क्या है, ये जो ट्यूब हमारे पास है यही कैपिलरी ट्यूब है, ये क्या है कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब है, ये कैपिलरी ट्यूब है। तो व्हेन ए कैपिलरी ट्यूब, जब एक कैपिलरी ट्यूब को हम क्या कर रहे हैं डियर, डिप्ड इंटू ए लिक्विड, किसी लिक्विड में डिप करा रहे हैं, then the liquid neither rise nor falls in the capillary, तो liquid क्या कर रहा है, ना तो rise कर रहा है ना तो fall कर रहा है, मतलब इस केस में आप देख रहे हैं डियर contact angle कितना होगा 0 होगा, इस केस में contact angle कितना होगा 0 होगा, और इस केस में contact angle कितना होगा डियर, ये होगा मतलब acute angle, ये होगा एक्यूट एंगल, जहां पे भी कैपिलरी राइज करेगा डियर वहां पे कॉन्टैक्ट एंगल हमेशा एक्यूट होगा, मतलब न्यून कोण होगा, मींस लेस देन 90 होगा। यहां पे आप देख लीजिए, ये देखिए, ये अगर 90 डिग्री हमारा हो जाए तो ये क्या 90 डिग्री से कम है, यहां देखिए ये 90 डिग्री हो जाए तो ये क्या है 90 डिग्री से ग्रेटेस्ट है, तो ये क्या होता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहां पे देखिए कैपिलरी राइज में एक्यूट एंगल होता है और कैपिलरी डिप्रेशन में क्या होता है ऑब्ट्यूस एंगल होता है, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90 होता है और यहां पे क्या होता है थीटा इज लेस देन 90 होता है, तो इस तरीके से ये थीटा की वैल्यू होती है। अब यहां पे अगर नो राइज नो डिप्रेशन है तो थीटा कितना होगा 0 होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब किसी कैपिलरी ट्यूब को हम किसी लिक्विड में डिप करा रहे हैं तो वहां पर ना तो राइज दिखाई दे रहा है ना तो फॉल्स दिखाई दे रहा है, जब नो राइज एंड नो फॉल्स दिखाई दे रहा है देन द कॉन्टैक्ट एंगल में भी 0, तो ये कॉन्टैक्ट एंगल हमारा क्या होगा 0 हो सकता है, 0 होगा,
तो ये हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट हमने क्या देखा डियर, ये करेक्ट है। अब आइए स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं कि कॉन्टैक्ट एंगल किसके किसके बीच बनता है। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा डियर द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, इन्होंने थोड़ा सा छोटा कर दिया जबकि इसको और अच्छे से देना चाहिए था कि कॉन्टैक्ट एंगल मेड बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड टेंजेंट विच स्टार्ट लिक्विड सरफेस फ्रॉम सॉलिड, जहां से लिक्विड सरफेस का सॉलिड से संपर्क स्टार्ट होता है वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो हमें कंफर्म हो गया कि कॉन्टैक्ट एंगल आपका लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच में बनता है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये समझ में आ गया, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़े रहेंगे तो बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, जरा सा भी उसमें हेजिटेशन नहीं होगा। अभी देखिए मैंने 20 मिनट का कॉन्सेप्ट आपको बताया और उससे आपके ये दो स्टेटमेंट आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं, द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड, ये किस पे डिपेंड करता है डियर, ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। लिक्विड अगर गाढ़ा होगा तो कॉन्टैक्ट एंगल ज्यादा बनेगा, लिक्विड अगर पतला होगा थिन होगा तो कॉन्टैक्ट एंगल कम बनेगा। लिक्विड को अगर हम किसी ग्लास के सरफेस पे डिप कराएंगे तो अलग कॉन्टैक्ट एंगल बनेगा, लिक्विड को हम किसी वुडन सरफेस पे गिराएंगे, किसी कंक्रीट के सरफेस पे गिराएंगे, मेटल की सरफेस पे गिराएंगे तो वो अलग अलग कॉन्टैक्ट एंगल बनाता है। मतलब स्टेटमेंट सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, तो इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं डियर जब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन टू इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दो हमारा करेक्ट हो जा रहा है। तो आपने देखा डियर जेई मेंस के बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन हाँ आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो तो आप इसमें घूमते रह जाएंगे और आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आइए एक छोटा सा एक और क्वेश्चन है, जेई मेंस 2024 में ही आया है, इसी साल में आया है डियर, एक और छोटा सा क्वेश्चन है, ये हमारा जेई मेंस 6 अप्रैल 2024 शिफ्ट फर्स्ट में आया, फर्स्ट शिफ्ट 6 अप्रैल का क्वेश्चन, वो 5 अप्रैल का था, ये 6 अप्रैल का है। देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया डियर। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, मर्क्यूरी इज फिल्ड इन ए ट्यूब, पारे को किसी ट्यूब में भरा जाए, किसी ट्यूब में पारे को भरा जाए तो उस समय जो रेडियस आपका है, रेडियस ऑफ ट्यूब 2 सेंटीमीटर है अप टू ए हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। सपोज करिए एक पहले ट्यूब बना लीजिए, इस तरीके से आपने ट्यूब बना लिया, अब इसमें एक पारे को भर दिया गया और इस पारे को भरने के बाद डियर क्या है, जो पारे की हाइट है, हाइट है वो कितनी ली गई है, 30 सेंटीमीटर, वो है आपकी 30 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए मर्क्यूरी इज फिल्ड इन ए ट्यूब, एक ट्यूब में मर्क्यूरी को हमने फिल कर दिया है और इस ट्यूब का जो रेडियस है, रेडियस है 2 सेंटीमीटर है, आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यहां पे लिख लेंगे रेडियस आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देन अप टू ए हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो हाइट आपकी कितनी है 30 सेंटीमीटर, मतलब हाइट H इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 × 10⁻²⁪ मीटर। इसको भी आप कर सकते हैं 2 × 10⁻²⁪ मीटर, मीटर में आप कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि जनरली हम मीटर में यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मर्क्यूरी ऑन द बॉटम ऑफ ट्यूब, इस ट्यूब के बॉटम पे जैसे ये पूरा मर्क्यूरी भरा हुआ है, आप इसमें जब एनालिसिस कर रहे हैं तो इस ट्यूब में पूरा मर्क्यूरी भरा हुआ है, अब ये पूरा का पूरा मर्क्यूरी अपने भार के बराबर इस तली पर बल लगा रहा है, तो कितना फोर्स लगा रहा है उस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में हमें निकालना है। इसने कहा फाइंड द मर्क्यूरी, मतलब फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मर्क्यूरी ऑन द बॉटम ऑफ ट्यूब, किसमें, न्यूटन में निकालना है। तो आइए निकाल लेते हैं इस मर्क्यूरी कल्प पे कितना फोर्स लग रहा है, और भी डेटा दिया है, गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये दिया है आपका 1 लाख न्यूटन, 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिया गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, कॉमा डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13,600 kg/m³ आपका दिया है, एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन फोर्स g=10 m/s². तो यहाँ पे आइए कुछ डेटा लिख लेते हैं डियर। ये जो डेटा दिया गया है, ये दिया गया है पी एटमॉस्फेरिक, एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कितना दिया गया है डियर, 1 × 10⁵ N/m² एंड डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13,600 kg/m³ आपका दिया है, एंड नेक्स्ट आपका दिया गया है जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स 10 m/s². तो अब आइए देखते हैं कितना फोर्स लगेगा डियर। देखिए एटमॉस्फेरिक फोर्स इस पे नीचे की ओर दबाव लगा रहा है, वायुमंडलीय बल नीचे की ओर दबाव लगा रहा है, और इस लिक्विड का टोटल भार इसकी तली पे बल लगा रहा है। तो मतलब नीचे जो टोटल फोर्स है, ये जो टोटल फोर्स होगा डियर, ये टोटल फोर्स होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक फोर्स प्लस इस लिक्विड का टोटल फोर्स, ये होगा फोर्स एटमॉस्फेरिक प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ मर्क्यूरी, फोर्स ऑफ मर्क्यूरी हो जाएगा। अब एटमॉस्फेरिक फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहां से जब हम एफ नेट की वैल्यू निकालेंगे डियर, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया प्लस, अब ये एटमॉस्फेरिक फोर्स निकल गया प्रेशर इनटू एरिया से, प्लस में इस लिक्विड का टोटल बल, ये अपने कुल भार के बराबर नीचे बल लगाएगा, और लिक्विड का टोटल वेट अगर निकालना हो तो उस लिक्विड में हम क्या करते हैं, उसकी डेंसिटी इंटू ग्रेविटी फोर्स इंटू वॉल्यूम, ये किसी भी लिक्विड का अगर वेट निकालना हो तो वेट ही आपका फोर्स का, फोर्स के बराबर होता है, इसका टोटल वेट ही फोर्स लगा रहा है। तो वेट निकालने के लिए डेंसिटी इंटू ग्रेविटी फोर्स इंटू वॉल्यूम होता है। तो यहां से आइए निकाल लेते हैं डियर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखिए आपके सामने कितना दिया गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास दिया गया है 1 × 10⁵ N/m², 1 × 10⁵ N/m² इंटू एरिया, एरिया ऑफ ट्यूब, देखिए इसने क्या कहा था, फिल्ड इन ए ट्यूब, ट्यूब का एरिया क्या होता है, पाई बाय 4D² या पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये कितना होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस में इस लिक्विड की डेंसिटी कितना दिया है, लिक्विड की डेंसिटी दिया है 13,600 इंटू ग्रेविटी फोर्स कितना दिया है डियर, 10 दिया है, इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। अगर इसका टोटल वॉल्यूम निकालना हो तो इसका एरिया इंटू हाइट कर देंगे, एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब आइए इन सभी की वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा 1 × 10⁵ इंटू पाई का, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू आर, रेडियस आपका कितना दिया है, 2 × 10⁻², ये हो जाएगा 2 × 10⁻²² का स्क्वायर प्लस ये 13,600 इंटू 10 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस आपका कितना हो जाएगा, रेडियस आपका हो जाएगा 2 × 10⁻²² का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट आपकी कितना दिया था 30 cm, मतलब 30 × 10⁻², ये हो जाएगा 30 × 10⁻². और डियर जब आप इसको सॉल्व करेंगे एफ नेट, तो ये टोटल फोर्स आपका 77 N आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे, तो ये आपका डियर टोटल फोर्स आपका कितना आ जाएगा, 177 N आपका टोटल फोर्स आएगा। तो आपने देखा कितना आसान था ये सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा। तो इस तरीके से आपको कमेंट करिए, अगर कोई भी कहीं पे भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको हम यहाँ पे बताएंगे। किसी भी ट्यूब में कोई लिक्विड भरा है, लिक्विड क्या है, मरकरी है, तो इस लिक्विड में ये सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा है
तो अपने कुल भार के बराबर लगा रहा है, प्लस ऊपर से एटमॉस्फेयर वायुमंडल भी दबाव लगा रहा है, तो वायुमंडल का बल प्लस इसका बल दोनों टोटल बल, टोटल फोर्स हमारा हो जाएगा। और वायुमंडलीय फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू एटमॉस्फेयर इंटू ट्यूब एरिया, प्लस लिक्विड का टोटल वेट निकालना हो तो वो क्या होगा, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी फोर्स इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर क्या होगा, एरिया इंटू हाइट। तो इस तरीके से आप पूरी वैल्यू रख देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से डियर कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, सोल्यूशन इन दोनों क्वेश्चन को आपको समझ में आया, अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो एक बार जरूर कमेंट करके पूछेगा। चलिए डियर फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी बेहतरीन टॉपिक और कॉन्सेप्ट के साथ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू डियर स्टूडेंट।